नमस्ते भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। जय स्वामी। इसके पहले की वीडियो में हमने स्वामी समर्थ द्वारा कर्म का सिद्धांत और प्रारब्ध को विस्तार से जान लिया। अब जानते हैं पुरुषार्थ को। कितने हैं पुरुषार्थ और क्या है पुरुषार्थ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी समर्थ ने पुरुषार्थ की बहुत ही सरल व्याख्या बताई है। इसमें कोई भी बड़े बड़े और ना समझने वाले शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ सके। कर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ जैसे नाम सुनकर ही मनुष्य को लगता है कि उसे कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ 24 घंटे चल रहे होते हैं, जो निजी है, और उसके बारे में हर मनुष्य को पता होना चाहिए ताकि आने वाला प्रारब्ध और भी अच्छा हो सके। कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रारब्ध में लिखा ही है कि फलाना चीज मिलेगी, तो व्यर्थ में ही मेहनत क्यों करे। स्वामी समर्थ कहते हैं कि परीक्षा में पास होना प्रारब्ध में लिखा ही है, तो व्यर्थ पढ़ाई करके क्या लाभ, ऐसा सोचना कहां तक उचित है। फिर प्रारब्ध में पेट भर का खाना भी लिखा है, फिर भी मनुष्य मेहनत तो करता ही है, कमाता है, मिल बांट के खाता है। जैसे ये प्रारब्ध पर नहीं छोड़ता, तो अन्य चीजें प्रारब्ध पर क्यों छोड़ता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को अच्छे से समझ ले। जैसे नौकरी मिलना प्रारब्ध है, पर उसे टिकाए रखना ये है पुरुषार्थ। पैसा कम या ज्यादा मिलना प्रारब्ध है, तो मिले हुए पैसों का कहां, कितना, कैसे इस्तेमाल करना है, इसे जानना है पुरुषार्थ। इसलिए पुरुषार्थ को जानने से पहले प्रारब्ध को जानना होता है। सभी बातें प्रारब्ध पर छोड़कर कर्म धर्म ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ये सही नहीं है। कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है तो मनुष्य पहले भागने का प्रयास करता है। जीना प्रारब्ध में है तो बच जाऊंगा, ये सोचकर वहीं पर बैठा नहीं रहता, अपनी जान बचाता है। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। मनुष्य भली भांति पुरुषार्थ को जानता है, पर परिस्थिति अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ लगा देता है। धन को ही सब कुछ मान लेता है और भले बुरे मार्ग से कमाता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो जिनके पास पैसा है वो ही प्रसन्न और खुश दिखते, और जो कम पैसों से गुजारा करते हैं वो नाखुश दिखते। पर ऐसा नहीं दिखता, पैसे वाले लोग भी दुखी होते दिखते हैं और कम पैसे वाले भी खुश होते दिखाई देते हैं। इसमें समझ में आता है कि पैसा सब कुछ नहीं दे सकता। कुछ ऐसा है जो पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। थोड़े से लाभ के लिए किसी की हाजी हाजी कर पैसा कमाने से अच्छा है कि अपने विवेक बुद्धि से, स्वाभिमान से कमाए, और अपनी औकात से ज्यादा है ये भाव रख कर प्रारब्ध को भोगे, और प्रारब्ध को भोगते समय पुरुषार्थ ऐसा करे कि आने वाला प्रारब्ध अति सुंदर हो। मनुष्य को बहुत सारे वस्तुओं की इच्छाएं होती है जिसे वो पाना भी चाहता है, जैसे धन, पति या पत्नी, पुत्र, गाड़ी, बंगला, दान धर्म, मोक्ष, सब कुछ पाना चाहता है। पर धर्म और संयम से काम ले, इसलिए शास्त्रकारों ने चार भागों में वर्णन किया है जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, और जो चार है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, और चौथा मोक्ष। पहला धर्म का आचरण कर मनुष्य ने अर्थ को यानी पैसे को प्राप्त करना चाहिए, कमाना चाहिए। धर्म से कमाए हुए अर्थ अनर्थकारक हो ही नहीं सकता। धर्म का पैसा सदा ही फलता है, फूलता है। धर्म से ही प्राप्त हुए अर्थ का उचित मार्ग में उपयोग कर कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए, फिर जीवात्मा का अंतिम ध्येय मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। स्वामी समर्थ आगे बताते हैं कि चार पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष जो है, यानी पहला और चौथा, इन दोनों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रारब्ध पर नहीं छोड़ना चाहिए, और बीच के बचे दो, अर्थ और काम, को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए ही तो मनुष्य प्रयत्नशील होता है और धर्म मोक्ष को प्रारब्ध पर छोड़ देता है। मनुष्य कभी कभी उल्टा ही करता है, अर्थ काम को प्रारब्ध पर छोड़ने के बजाय वो दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, केवल इसी के ही बारे में सोचता है, फिर बाद में पछताता है। धर्म और मोक्ष के लिए ही उसे दिन रात प्रयास करना चाहिए। स्वामी ने इस बात पर गौर करने के लिए कहा है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ आपस में विरोधी नहीं है,
वो पूरक हैं, साथ में है, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही आने वाले कल का प्रारब्ध है। वास्तविक में प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक ही भाग के दो अवस्थाएं हैं। एक चल रहा है, वर्तमान का प्रारब्ध भूतकाल के ही पुरुषार्थ से निर्माण हुआ है, तो वर्तमान काल का पुरुषार्थ आने वाला प्रारब्ध है। तो धर्म अर्थात अपना कर्म करना संयम से, कर्तव्य को निभाना संयम से, अर्थ पैसा, धर्म से ही पैसे को कमाना चाहिए, धर्म में रहकर कमा लेना चाहिए। काम का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति, कब, जब धर्म से पैसे कमाए, उन कमाए हुए पैसों से इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और अंतिम चौथा है मोक्ष। निस्वार्थ कर्म कर या मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अर्थात मोक्ष को पाना ही धर्म है। कर्म का सिद्धांत में भी बताया गया है कि मनुष्य कब मुक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर आप गौर से देखेंगे तो धर्म और मोक्ष के अंतर्गत ही अर्थ और काम आए हैं, अर्थात पैसा कमाना और इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, वो भी धर्म और मोक्ष के अंतर्गत ही। धर्म और मोक्ष में प्रयत्नशील रहकर ही अर्थ काम को पाए। एक बात स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कुछ कर्म ना कर, अर्थात कर्म का त्याग कर भगवान पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो कर्म निस्वार्थ कर भगवान पर छोड़ने के लिए कहा है। यहां तक कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को त्यागने की बात कहीं भी नहीं की है, या फिर कर्म को त्यागने नहीं कहा है, तो कर्म कर और मुझ पर छोड़ दे, फल की चिंता मत कर, ऐसा ही कहा है। कुछ लोग कुछ प्रयास ना कर भगवान पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर स्वामी कहते हैं कि प्रयास करके भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि आज का प्रयास ही कल का प्रारब्ध है। तो यह है स्वामी द्वारा सरल और सुंदर व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय स्वामी।